हेलो गाइस, आज लेसन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 में हम करेंगे कि हम एड्स किस किस टाइप की होती हैं और हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट को यूट्यूब से कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है गूगल एड्स पे जाना है आपको। ठीक है, एंड देन आपको जाना है गेट मोर कस्टमर। ठीक है, देन आपको, अगर आपने कल की वीडियो देखी, अगर आपने उसमें से वीडियो को देखा तो आपने अगर उसको वर्क में किया है, देन आपको सिग्नेचर ही नहीं करना है अगर आपने कल अकाउंट को फिल किया है तो। ठीक है, सिग्नेचर ही करना है आपको। ठीक है, देन आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कैंपेनिंग सेटिंग एंड ये सब कुछ आपको इसमें होगा। साथ में आपको YouTube को ओपन करना है अपना। ठीक है, आपने ये अपना YouTube ओपन कर लिया है, देन आपको अपने YouTube के राइट हैंड साइड पे जो लोगो टाइप है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, देन आप जाओगे अपने YouTube स्टूडियो पे। ठीक है, YouTube स्टूडियो पे जाने के बाद आपको, ठीक है, YouTube स्टूडियो पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करने है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, देन आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है। ठीक है, ये आगे यहाँ पे, ये देखो आगे ना गूगल एड अकाउंटिंग लिंकिंग। ठीक है, लिंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिंक का नेम आ जाएगा, आप लिख दीजिए जैसे हमारा है कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा गूगल एड्स का कस्टमर आईडी जो आपकी वो आ जाएगी। ये देखिए कस्टमर आईडी आपकी है, ये देखिए जो ऊपर 10679233342 वाली। यस, दोनों एक साथ हो गए बट ऊपर वाली होगी। ठीक है, देन यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी, देन ये थोड़ा डिलीट कर देंगे। जो आपको ऊपर आईडी बताई थी आप किसी पर आईडी वही है, ये साथ में ईमेल आईडी डल गई थी। ठीक है, ये 10679233342, ये देखो यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट। ठीक है, देन यहाँ पे मुझे डन पे क्लिक करना है। स्टेटस आ रहा है अनसेव्ड। ठीक है, देन सेव पे क्लिक करना है। सेटिंग सेव करना है। ठीक है, देन आपको कंपेनिंग पे जाना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है बेल आइकन के ऊपर। ओके, ये देखो प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, देन व्यू पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखिए लिखा हुआ है ऐड टू टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ से आप वेरिफिकेशन कर लोगे इसकी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे अपने अकाउंट पे। ठीक है, आप यहाँ आ जाओगे, देन आपको कंपेनिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस कैंपेनिंग पे क्लिक करना है, प्लस न्यू कैंपेनिंग। ठीक है, ये आ गया, ये आपके पास ऐड आ जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो सेल्स लीड वेबसाइट ट्रैफिक प्रोडक्ट एंड
कंसीडर ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने देखो, आपको इस टाइम अगर आप YouTube चैनल का देख रहे हो तो आपको सर्च डिस्प्ले शॉपिंग को छोड़ के वीडियोस पे क्लिक करना है, क्योंकि ऐप स्मार्ट डिस्कवरी आपको अभी वीडियोस पे, अगर YouTube के लिए आप वीडियो को आपकी जरूरत है। ठीक है, ये वीडियो का आप क्या साथ है, कस्टम वीडियो कैंपेनिंग। कस्टम वीडियो कैंपेनिंग में क्या होता है कि इसमें आपको मैंने कल एक बताई थी कि आपको एड किस किस टाइप के होते हैं। बम्पर एड्स बताई थी, इन स्ट्रीम एड बताई थी, बम्पर एड जो 6 सेकंड के लिए, इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐप एड बताई थी, डिस्कवरी एड बताई थी जो सजेस्ट में आती है, आपको मैंने ये बताई थी। ये एड सारी कस्टम में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम। ठीक है, इसका क्या होता है कि वो जो आपको मैंने बताई थी 6 सेकंड की एड आती है, 15 सेकंड तक होती है, और ठीक है वो वाली ऐड आती है वो मतलब कि जो स्किप नहीं होती, एकदम आती है और जल्दी से चली जाती है, वरना कुछ ऐड 2-2, 3-3 मिनट की होती है, उसे हम स्किप कर सकते हैं 5 सेकंड के बाद, बट ये स्किप नहीं कर सकते इसे। ठीक है, इसके बाद आता है आउटस्ट्रीम। आउटस्ट्रीम में आप जैसे फोन्स एंड टैबलेट्स में वो देखते हो, एड्स देखते हो, तो ये उसमें आ जाती हैं एड्स। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो ड्राइव कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, जो आप ये मेन बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, डिजाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये आप बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्राइव जो कन्वर्जन है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एड सीक्वेंस। एड सीक्वेंस सबसे ज्यादा गूगल एड्स की सबसे अच्छी एड मानी जाती है, जिससे क्या होता है कि आप इससे एड से आपने एड्स लगा दी। इसमें देखो इंस्ट्रीम, नॉन स्किपेबल, बम्पर एड्स, मिक्स एड, सब कुछ आ जाता है इसमें। इसमें आपको ये फायदा होता है कि आपने एक एड लगाई, देन उसे चलने दिया। अब आपने अगर इसमें सीक्वेंस में एड लगा ली, अब मैं मान लो कि मैंने एड लगाई, आपने देखी, आपने मेरी फर्स्ट एड देखी, जैसे ही आपने मेरी फर्स्ट एड देखी, यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको फिर मेरी दूसरी एड दिखाएगा, तीसरी एड दिखाएगा, जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे दिखाएगा। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट होता है, कस्टमर का ध्यान आपकी ऐड की तरफ पड़ेगा, एक बार दूसरी या तीसरी बार आपकी तरफ पड़ेगा। तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो है ऐड सीक्वेंस। ठीक है, एक होती है शॉपिंग। इसमें कहता है आप अपना प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट भी, वेबसाइट पे, ठीक है, विद स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। ठीक है, ई शॉपिंग एड में क्या है कि मेन आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसे उसके लिए आप शॉपिंग ऐड लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट से जाकर आप ही शॉपिंग कर लेंगे, जैसे अमेजोन, जोमेटो, ये सब आपने देखा होगा एड्स लगाते हैं, स्ट्रीम लगाते हैं, स्ट्रीम स्किपेबल एड्स लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, एड्स इन इतने टाइप की होती है। ठीक है, ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे, हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, बाय एंड थैंक यू।